यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुंबई में आयोजित प्री यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में शामिल हुए। इस दौरान वो कई बड़े उद्योगपतियों से मिले। समिट को संबोधित करते हुए उन्होंने यूपी में निवेश को आकर्षित करने के लिए एक पूरा खाका पेश किया, लेकिन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। देखिए, अखबार को मैं सच मानूं, अखबारों में जो छपा है वो मैं सच मानूं, तो अखबार तो पहले से ये कह चुका है कि हम 13 लाख करोड़ का MOU कर चुके हैं। अगर हम 13 लाख करोड़ का कन्वर्जन करें तो मुझे लगता है कि जो फिगर वो बता रहे वो पूरा हो चुका है। सवाल ये है कि इन्हें ये बताना चाहिए कि जो पहला इन्वेस्टमेंट मीट हुई थी उसमें जो MOU साइन हुए थे 5 लाख करोड़ के लगभग, उसमें कितना ज़मीन पर उतरा है। डिफेंस एक्सपो में देश के प्रधानमंत्री आए, देश के डिफेंस मिनिस्टर आए और बड़े बड़े इन्वेस्टर्स बुलाए गए। आखिरकार डिफेंस एक्सपो में जो MOU साइन हुए थे, जिन्होंने ज़मीन लेने का वादा किया था, आज उत्तर प्रदेश में ज़मीन पर कितना उतरा है? ये केवल धोखा देने के लिए आयोजन है। पहले मंत्रियों को विदेश भेजना, फिर खुद शहर जाना, फिर G20 के कार्यक्रम यूपी में जाते करना। सबसे बड़ी बात तो ये आएगी सामने कि इनके पास इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या है। आखिरकार किस इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत, किस इंसेंटिव के साथ इन्होंने पॉलिसी बनाई है जिससे इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में आएगा? और फिर जो लोग NCRV का डेटा देख लेंगे तो वो शायद एक बार को इन्वेस्टमेंट करने में घबराएंगे। दरअसल BJP ने निवेश के लिए जरूरी बुनियादी ढांचे को बेहतरी के जो प्रयास किए गए हैं उनका जिक्र करते हुए यूपी की पूर्व की सरकारों की नाकामी को भी उजागर किया है। पिछली सपा बसपा की सरकारों ने एक बार सपा, एक बार बसपा, एक बार सपा, लंबे समय तक कांग्रेस, इनने कभी नहीं सोचा कि हवाई कनेक्टिविटी अच्छी हो, ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छे हो, हॉस्पिटल्स हो, रोड कनेक्टिविटी हो। आज जब 2017 में हम सरकार में आए थे तो केवल 2 एयरपोर्ट संचालित थे, आज 9 एयरपोर्ट संचालित, 5 बहुत जल्दी चालू होने जा रहे हैं, 14 एयरपोर्ट, देश में पहला राज्य होने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है उत्तर प्रदेश को, जहां 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आज पूरे देश का जो एक्सप्रेसवे का नेटवर्क है उसका लगभग 37.7%, लगभग 40% हमारे पास है। अभी हम गंगा एक्सप्रेसवे बना रहे हैं, जल्द ही पूरे देश का 50% एक्सप्रेसवे हमारे पास होगा। गंगा जमुना सरयू, ऐसी तमाम जो पवित्र नदियां हैं, 1153 किलोमीटर नदियों का किनारा हमारे पास, बहुत उर्वरक फर्टाइल ज़मीन है जो, जहां पर बहुत सारे हमें रॉ मटेरियल, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो उत्तर प्रदेश की ओर आकर्षित कर रही है इन्वेस्टर को। सारे इन्वेस्टर का हित सुरक्षित हो, संरक्षित हो, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। और अभी 3 जून 2022 को माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से 80,224 करोड़ रुपए की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी, इस बात का गवाह है कि इन्वेस्टर का भरोसा हमने जीता है। जाहिर है यूपी में निवेश को लेकर राज्य सरकार के प्रयासों पर अखिलेश यादव के सवालों के बाद राजनीति गरमाने की संभावना बढ़ गई है।